निकाला जाए. स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है कि सैटेलाइट जो है उसका अलग अलग एनर्जी होता है अलग अलग जगह पे. दो यहाँ पे दो केस हम आज देखेंगे. मतलब सैटेलाइट जो है यदि अर्थ के सरफेस पे है तो उसकी क्या एनर्जी है. दूसरा यदि वो अर्थ के सरफेस से एक हाइट एच पे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी क्या एनर्जी है. यहाँ पे अलग अलग तरह की एनर्जी है जो इन दोनों केस के लिए हमें आती है. काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एंड बाइंडिंग. You are well versed with what is kinetic and potential. Total is sum of kinetic and potential. Binding energy is nothing but mod of total energy. Students, binding energy aap le raha hai. Binding energy is nothing but the energy required to bound the satellite in the Earth's gravitational influence. That is it. मतलब सबसे पहले आप समझिए, हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो एनर्जी हमको लगता है सैटेलाइट को अपने पास बाउंड करके रखने के लिए, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज व्हाट वी कॉल बाइंडिंग एनर्जी. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अर्थ से इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए जितना एनर्जी लगता है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज व्हाट वी कॉल बाइंडिंग एनर्जी. आई होप इट इज क्लियर. तो अब हम लोग देखेंगे कि एक काफी आसान तरीका है जिससे मैं आपको ये आठों एनर्जी खाली डिराइव करके नहीं याद भी करा दूंगा. तो खाली आप देखते रहिएगा, आपको याद भी हो जाएगा आठ डेरिवेशन. ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी. स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, सबसे पहले कि यहां तो रेस्ट पे है ना, सरफेस ऑफ अर्थ पे रेस्ट पे, तो रेस्ट पे यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, रही बात है पोटेंशियल एनर्जी निकालने की. स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. यहां पे हम लिखेंगे g इज gm / r स्क्वायर. स्टूडेंट्स अगर आपने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए. स्मॉल m एंड h इस केस में हाइट. यहां पे डिफरेंस कितना है, r है. क्या स्टूडेंट्स r हो जाएगा, ये r r कट, व्हाट डू वी गेट, g m m / r. दिस इज माइनस बिकॉज़ इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी. राइट, यहां स्टूडेंट्स ध्यान देना कि ये जो स्मॉल m है, दिस स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल m इज मास ऑफ अर्थ, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ. तो यहां से मुझे आया पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर. बराबर, नेक्स्ट है टोटल एनर्जी. स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी सम ऑफ दीज टू एनर्जीज, इन दोनों का सम भी कितना आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर. और स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी मोड ऑफ टोटल एनर्जी, मोड यानी इसका पॉजिटिव वाला वर्जन. तो इसका पॉजिटिव वाला वर्जन यानी मैग्नीट्यूड इज जी एम एम अपॉन आर. देखो आपने कितना आसानी से ये सारे एनर्जी डिराइव कर लिए. Students, next is for the case where satellite is revolving around Earth at certain height h from the Earth's surface. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमने r plus h को small r से represent किया हुआ है ताकि ये हम लोग समझने में थोड़ा आसान लगे. हर जगह r plus h लिखने की जरूरत नहीं, r plus h के बदले मैं यहाँ लिखूंगा small r. तो यहाँ पे denominator में जहां जहां capital r आ रहा है इस केस में small r आएगा, या तो आप लिख सकते हैं capital r plus h. right? चलो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ. स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. इस केस में गोल-गोल घूम रहा है, तो गोल-गोल घूम रहा है तो स्टूडेंट्स अगर गोल घूम रहा है तो कितने वेलोसिटी से घूम रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से. तो इस केस में हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी. यदि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूं तो इट इज रूट जी एम अपॉन आर, और क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो इट इज सिंपली जी एम अपॉन आर. समझ में आया, इसमें थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो आई गेट हाफ g capital m small m upon r. तो इसके यहाँ पर हम लिख लेंगे half g m small m upon r, where small m is mass of satellite, capital m is mass of earth, g is universal gravitational constant. Again यहाँ पे potential energy students same as this आएगा, यहाँ पे आएगा minus g m m upon r. यहाँ पे r इसके लिए क्योंकि यहाँ पे r plus h है. ठीक है, इसके लिए जो opposite derive करने की जरूरत है students, I hope आप इतने smart होके यहाँ से derive कर लोगे. नेक्स्ट इज सम ऑफ दीज टू. अब यहां पे देखते हैं आप जी एम एम बाई आर, जी एम एम बाई आर कॉमन है. यहां पे बचा हाफ और माइनस वन, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, तो यहां पे बचा माइनस जी एम एम अपॉन आर, माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर. समझ में आया, तो स्टूडेंट्स इन दोनों से मिले एड करने तो आपको यह आएगा बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव ऑफ दिस थिंग, तो बचा हाफ जी एम एम अपॉन आर. I hope it is clear students. अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको चारों अलग निकालने की जरूरत नहीं है. आपने अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया तो काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ध्यान से देखिए सेम है. टोटल एनर्जी खाली उसका नेगेटिव वाला पोर्शन है और ये उसका खाली डबल और नेगेटिव वाला पोर्शन है. ऑलराइट, समझ में आया. तो आप खाली जी एम एम अपॉन आर निकाल लीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, काइनेटिक आ गया
आपको पैरेलल आ गया तो आपको बाइंडिंग भी आ गया, उसको नेगेटिव डाल दीजिए, उसको टोटल भी आ गया, जिसमें mm बाई r तो आपने निकाला, खाली माइनस साइन डाल दीजिए तो आपको पोटेंशियल भी आ गया। तो ये आठवें एनर्जी काफी सिंपल है, याद रखिएगा जब अर्थ के सरफेस पे है तो डिनोमिनेटर में कैपिटल r आएगा और अगर सर्टेन हाइट h पे है तो स्मॉल r आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था एनर्जी, इसको डेफिनेटली वीडियो देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से, सॉरी ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।